मारुति सुजुकी इंडिया की कंपनी नहीं है और ऐसा मैं नहीं कंपनी खुद चिक चिक के बता रही है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फॉर मोर सच कंटेंट। देखो एक बात समझते, अगर आपने भी नई मारुति सुजुकी की गाड़ियां देखी होगी तो आपने पीछे ध्यान दिया होगा, अब कंपनी मारुति सुजुकी नहीं लिखती है, सिर्फ और सिर्फ सुजुकी लिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी के 56.37% जो स्टेक है वो सुजुकी कॉर्पोरेशन के पास है जो कि जापान की कंपनी है। अब आप बोलोगे नहीं यार, अगर हम गूगल करते हैं कि इज अ फाउंडर ऑफ मारुति सुजुकी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 1% भी शेयर होल्डिंग नहीं है मारुति सुजुकी के अंदर। इन फैक्ट कंपनी के अंदर 21.89% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, यानी ऑलमोस्ट 78% से ज्यादा जो पैसा मारुति सुजुकी के अंदर लगा हुआ है वो बाहर का है। बचा हुआ ऑलमोस्ट 21% समथिंग या तो रिटेल इन्वेस्टर्स का है या फिर म्यूचुअल फंड्स का है और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स का होगा। आपको लग रहा है कि वो एक इंडियन कंपनी, लेकिन वो इंडियन कंपनी नहीं है, क्योंकि 2007 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने मारुति सुजुकी से ले लिया था एग्जिट। तो भले अगली बार आप कोई भी गाड़ी बाय करो, लेकिन ये सोच के बाय मत करना कि मारुति सुजुकी इंडिया की कंपनी है। बाकी कमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट कार कंपनी कौन सी है।